Do you know what's behind the camera? It's a mountain top that is known as Ganga Choti. गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगा चोटी। और सही किस्म वाला तूफान चलता रहा पूरी रात और अभी भी बहुत तेज़ हवाएं हैं और बारिश हो रही है और अभी का सीन ये है कि हम उठ रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के और अभी हमें लग रहा था कि हवा तेज़ होगी तो हमारा कैंप उड़ जाएगा, तो मजबूरन हम उठे और अभी ये करना है कि हमने दो लोग कैंप के अंदर हैं, मैं बाहर हूँ, मैंने रेनकोट पहन लिया, मैं चीज़ें उनको पकड़ा हुआ दिन पैकेट आप अंदर ही ताकि कम से कम चीज़ें गीली हों। बाइक पे लोड्स करेंगे तरपाल के नीचे जो है, हम बाइक्स लेके जाएंगे, लोड करेंगे चीज़ें और वन बाय वन हम इस तरह फिर कोशिश करें ताकि हमारे बाइक्स जो है पैकअप हो जाएँ, फिर बेशक हम भीग जाएँ डजेंट मैटर। लेकिन ठंड जो है ना, माई हैंड्स आर गेटिंग कोल्ड। हालत पे नहीं जाना और बहुत शदीद किस्म वाला एक्सपीरियंस फिर हो गया हमारे साथ, बिकॉज हम जब भी मिलते हैं इट ऑलवेज हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल्स क्रिप्टोनियन। पता नहीं कौन सी मखलूक हमने साथ रखी हुई है कसम से, हर बार ही हमारे साथ कुछ अजीब सा ही होता है यार। हाँ इसमें आई होगी। सो अब हेमंत का सामान बांधा जा रहा है, क्या क्या किया और देखें बैग के अंदर सामान कैसे डाला है इसने, सारी मोटी चीज़ें एक साइड पे कर दी हैं, सारी पतली चीज़ें दूसरी साइड पे कर दी हैं, अब जब रस्सी मारेंगे तो यही हाल होगा। दैट्स व्हाई ही इज अ क्रिप्टोनियन। पतली हो गई होगी ना तो उन्होंने स्क्यूज कर दिया, सो स्क्वीज होता है क्या होता है व्हाटएवर। सो ये रही मनमोजी की बाइक और मनमोजी ने कल मेरा नुकसान कर दिया है, ये भी हमेशा ही करता है बंदा भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी तोड़ी हैं जो आते आते बहुत टाइम लगता है। ये देखो This is useless now. क्योंकि हम इसको उठा नहीं सकते तो इसका हम क्या करेंगे, जार डालेंगे बॉटल का। सो ये इसकी बाइक एंड दिस इज आवर टाइगर, यू कैन सी मेरा सामान सारा प्रॉपरली पैक है। दिस इज JDR टॉप बॉक्स, इस बॉक्स की डिटेल बाद में दूंगा, अभी फर्स्ट टूर पे यूज़ हुआ है और इट इज़ ऑसम। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, और अभी बारिश फिर शुरू हो रही है। हरी अप गाइस, फुट यहाँ की जो है एलिवेशन है और नीचे जो सुदन गली था वहाँ की एलिवेशन थी 5,500 फुट, और सुदन गली का जो ट्रैक था वो तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक था जिसमें हमें 25 मिनट लगे थे सुदन गली से ऊपर गंगा चोटी आने तक, और बहुत बेहतरीन कारपेटेड रोड थी, अच्छी रोड थी और मज़ा आया बारिश में राइड की, जैसा कि आपने देखा कल वाले उसमें। रोटियां उधर ही डाल दी,
इस वक्त टेम्परेचर है जनाब 9 डिग्रीज और बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया है, सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हमने हाइकिंग करनी है टुवर्ड्स द टॉप। और पहले सबसे पहले हम जा रहे हैं उस ढाबे पे, चाय पियेंगे वहाँ से और थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, बिकॉज अपना सिलेंडर जो है हमने इस टाइम नहीं निकाला सब, बिकॉज बर्तन वगैरह सारे गंदे हुए थे तो हिम्मत नहीं हुई उनको धोने की, बिकॉज पानी जो है फ्रीजिंग कोल्ड है, हार्डली हाथ और थोड़ा सा मुंह धो लिया है, कम से कम कुछ शक्ल तो निकले, पहचाने तो जाए ना। दैट इज़ द टॉप, उसके उस साइड पे एक और टॉप है जिसको गंगा चोटी कहते हैं। आवाज इसकी निकल नहीं रही हम इधर ऊपर नहीं चले जाते हैं यार, ये साथ से जाते हैं। आओ नहीं यार, हाँ इधर से नहीं जाने देगा हमें, क्यों हम इधर से ये इधर से जाते हैं, हम ऊपर से जा रहे हैं ना, ये पीछे रास्ता है, ऐसे नहीं पीछे नहीं जाना। यार कंटिन्यूअसली हमें फॉलो कर रहा है एक कुत्ते का बच्चा, कुत्ता इटसेल्फ, इसलिए कहते हैं कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है, वो अपनी टेरिटरी को जो है सही प्रॉपरली डिफेंड कर रहा है। हमारा सारा उसने ट्रैक ही चेंज करवा दिया है, वो नीचे नीचे अपने ट्रैक पे आ रहा है, क्या आपने उस ट्रैक से जाने ही नहीं है भाई, हम नहीं जा रहे, काफ़ी टाइम हो गया हमारे पीछे पीछे चल रहा है, आ रहा है वो साथ साथ, चलो उसको अपना काम करने दो, हम अपना काम कर लेते हैं। माय रेड नोज, बिकॉज टेम्परेचर जो है ना इस टाइम सही हमारी बाजार है, 7.8 डिग्रीज मेरे मीटर पे शो हो रहा था, टॉप पे जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना है। हमारे लेफ्ट साइड पे सारी हिमालयस हैं एंड माइट भी यहाँ से नांगा पर्वत नज़र आए, लेकिन अभी क्लाउड्स हैं तो हिमालयस तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका जो पीक है माउंटेन
पीक नांगा पर्वत वो विजिबल नहीं है, बट ऑन अ क्लियर डे, बट ऑन अ क्लियर डे इट कुड बी विजिबल इजीली। वो सामने वाली जो है गंगा चोटी की पीक है, गंगा चोटी जो नीचे से नज़र आती है वो वाली हमने क्लाइम कर ली है, सो क्रॉस करके अब आगे जा रहे हैं। द करंट एलिवेशन इज़ 9,550 feet अबव द सी लेवल। सारी यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक की हैं आपके सामने, इंस्टाग्राम का हैंडलर आ रहा है, पिक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, स्टोरीज में भी और फीड में भी आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, गोप्रो वैसा नहीं दिखा रहा बट कैमरे से बहुत आला किस्म की पिक्चर्स जो आई हैं। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं गंगा चोटी, और अगर आपको गोप्रो दिखा सके सो दैट्स द फाइनल पीक गंगा चोटी। और जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ना, यहाँ की एलिवेशन है तकरीबन नहीं, आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, यहाँ की एलिवेशन है 9,348 feet। और आप मेरी बैक पे अगर आपको नज़र आ रहा है, गोप्रो दिखा पा रहा है, तो वो सारे हिमालयस है, पूरी हिमालय सीरीज है। और सुबह सुबह जब हम ऊपर आ रहे थे तो वहाँ पे सन रेज पड़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा ना वो गोल्डन बिल्कुल ग्लो कर रही थी पीक्स। सो अभी जाके बारिश रुकी है, मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है, और यू कैन सी के हल्की हल्की सन शाइन जो है चेहरे पे पड़ रही है, और उसका एक अपना ही मज़ा है, लिटरली मज़ा आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह के हर तरह का मौसम यहाँ देखा है, और अभी स्टिल वी हैव टू क्लाइंब अ लॉट, पहुँचे नहीं है अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी ऊपर जाना है, बट दिस प्लेस इज़ अमेजिंग यार, सो अमेजिंग। मौसम क्लियर हो जाए तो होपफुली मैं आपको हिमालयस दिखा पाऊँगा। सो ये देखिए जी, 9,000 हाइट के ऊपर आके ये ब्रश चल रहा है। तो क्या 9,000 हाइट पे मैं दांत नीचे रख के आता? हाँ, रख के आना चाहिए था, ऐसे लोग हैं। और ये देखे, ओ भाई उठ जा अहमद, उठ जा भाई, अभी ऊपर भी जाना है, उधर जाना है भाई, जल्दी कर।
Do you know what's behind the camera? It's a mountain top that is known as Ganga Choti. चारों तरफ का व्यू सुभान अल्लाह. और अभी जो बिहाइंड द कैमरा व्यू है ना, दैट इज अल्टीमेट. अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट फ्यू फीट बिलो द टॉप. चले टॉप तक जाते हैं. रन. Finally, at the height of 9,688 feet above the sea level, हम पहुंच गए गंगा चोटी, one of the highest peaks of Kashmir region. यहाँ पे आर्मी का एक बूस्टर लगा हुआ है. ओह, अप अबव द माउंटेन्स लाइक द डायमंड इन द स्काई. नहीं यार, ये वाला जो मेडो है ना, मर्तजा लुक हियर. ओ माय गॉड यार, इट्स सुपर. क्या सीन आ रहा है यार, उनकी लेयर्स जो आ रही है ना. यस, येलो ग्रीन येलो ग्रीन, इट्स ऑसम यार. वो देखें, अगर आप वो जो घर बने हुए ना, उनके साथ उन्होंने इसलिए बनाया है, ऊपर वाटर पानी बारिश होती है ना, सारी साल वाटर स्ट्रीम्स है. हाँ, पानी उधर से हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो सोर्स नहीं है. माउंटेन्स हमेशा जहाँ पे घर है वहाँ पे वाटर है. व्हेन देयर इज अ हाउस देयर मस्ट बी वाटर. सो यार, थोड़ी देर बैठते हैं और इस खूबसूरत से कुदरती नज़ारे को जो है इंजॉय करते हैं, और फिर उसके बाद आज के व्लॉग को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे. स्टे विद मी. ऑल राइट, 11:25 हो गए हैं और अभी हम गंगा चोटी से जो है वापस क्लाइम डाउन करने लगे हैं. सो आज के व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ. ये तीनों एपिसोड्स आपको कैसी लगी हैं, अगर आपने प्रीवियस दो नहीं देखी तो उनका लिंक आपके सामने आ रहा है, वो जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको एक पूरी जो स्टोरी है, पूरी हमारी जर्नी, वो आप उसको प्रॉपरली देख सकें. सो कल की रात जो थी काफ़ी एडवेंचरस थी, बहुत तरह के जो है हमने एडवेंचर्स किए उसमें, और स्टॉर्म के अंदर हमने गंगा चोटी पे कैंपिंग की. सो अभी जो है हम यहाँ से वापस जाने लगे हैं, और आज इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. फॉर व्हाट सो एवर रीज़न, इफ़ यू एंजॉयड दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. और अगर चैनल पे नए आए हो तो आपके सामने जो लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे जो फ्यूचर हमारे एडवेंचर हैं वो आप तक पहुँचते रहें. वॉइस रेडी टू मूव ऑन? यस अहमद, कैसा था ओवरऑल सीन? चले मिलते हैं फिर किसी नई जगह पे, किसी नई जर्नी के साथ, किसी नई एडवेंचर के साथ. टिल देन टेक केयर.